Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here it is that there are many phenomena which we observe in nature at home. For example, raw mangoes shrink when picked in rain, wilted flowers revive in fresh water, etc. The substances are bound by membrane, and small molecules like water can pass through these membranes. And this process of flow of solvents is called osmosis. So the pressure that just stops the flow of solvent is called as the osmotic pressure of a solution. And osmotic pressure is directly proportional to the molality of the solution at a given temperature. So we have to tell here, name one natural and one synthetic membrane that can be used as osmosis. सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट को. सो की कंसेप्ट इट वुड बी ऑस्मोसिस होता क्या है. सो अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ये एक प्रोसेस है. एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इन दिस प्रोसेस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दैट पर्टिकुलरली मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मूव करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर. कहां से? लोअर से, लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. सो वी कुड डिस्कस फर्दर. सो हमें यहाँ पे एक नेचुरल मेम्ब्रेन बतानी है और एक हमें बतानी है सिंथेटिक मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे नेचुरल लिख देते हैं, यहाँ पे सिंथेटिक. सो अगर हम नेचुरल की बात करें स्टूडेंट्स, तो व्हाट इट कुड बी, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन वो नेचुरल है, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, इसमें जैसे हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, दैट इज अ बायोलॉजिकल नेचुरल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन. बायोलॉजिकल है, अलोंग विद दैट इट कुड बी अ नेचुरल. ठीक है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, दैट कुड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वाया ऑस्मोसिस. वेयर एज अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं, तो इसमें हम लिख सकते हैं सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन. सिंथेटिक मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इट वुड बी सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन. एंड यू नो दैट जो सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन होती है, ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन है जिसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं. लेबोरेटरी में हम लोग इसमें ऑस्मोसिस के लिए या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं. होप इट इज क्लियर ऑल दिस.